नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निकली हुई है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पर एजुकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर कितने साल का एक्सपीरियंस होना आप लोग को ज़रूरी है, तब भी जाके आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ उससे आप लोग को अपडेट मिलेगा दोस्तों ऑन द डेली बेसिस पे। यहाँ पे मैं जॉब के अपडेट्स डालते रहता हूँ, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे आप लोग को नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कौन से लोकेशन के लिए वैकेंसीज़ है। सबसे पहला जो वैकेंसी है वो मेडिकल टेक्नीशियन के लिए है, जो कि गोवा लोकेशन है। और यहाँ पे जो भी एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है और जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे होना ज़रूरी है वो आपको मैं बता देता हूँ। BSc, MLT और DMLT होना ज़रूरी है और यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 से 5 साल होना बहुत ही अनिवार्य है, तब भी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके नीचे आप लोग अप्लाई करने का लिंक भी देख रहे होंगे, टैब देख रहे होंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आप लोग को ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे आप लोग को भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो अगला वैकेंसी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट का वैकेंसीज़ है, जो कि गोवा लोकेशन के लिए ही है। और यहाँ पे जो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका होना चाहिए यूरोलॉजी MCH होना चाहिए, फिर DNB इन यूरोलॉजी होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 से 5 साल का होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को टैब पे क्लिक करके बता देता हूँ कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग को देखिए ईमेल, नाम, मोबाइल नंबर और करेंट सिटी आपका, क्वालिफ़िकेशन, ये डालने के बाद आपको नीचे रिज्यूम अपलोड करने का यहाँ पे टैब मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। उससे आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसीज़ और यहाँ पे जो आप लोग का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, तभी आप लोग को यहाँ पे ईमेल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला वैकेंसी है वो ओटी इंचार्ज का है यहाँ पे, ठीक है। और लोकेशन रहेगा गोवा। यहाँ पे आप लोग का एजुकेशन होना चाहिए, BSc होना चाहिए और GNM होना चाहिए इन नर्सिंग। यहाँ पे एक्सपीरियंस लगभग OT का एक्सपीरियंस होना चाहिए 13 से 15 साल। यहाँ अप्लाई करने का लिंक वही सेम रहेगा दोस्तों, वही प्रोसीजर आप लोग को फॉलो करना है हर एक पोस्ट के लिए। तो देखिए जो अगला वैकेंसी है वो नैनोटोलॉजी के लिए है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लोकेशन रहेगा गोवा रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ है वो गोवा के लिए ही निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है वो रहेगा MD पेडियाट्रिक्स, DN नीमेटोलॉजी में। आप लोग को अगर आप लोग ने एजुकेशन किया हुआ है तभी जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला वैकेंसीज उसके बारे में आप लोग को जानकारी देता हूँ दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर के लिए है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो MBBS होना चाहिए विथ 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप लोग को हायर किया जाएगा, ठीक है। अगर मिनिमम एक्सपीरियंस भी है आप लोग को, अगर 1 साल का भी है तभी भी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे अगर BBA आप लोग ने किया हुआ है या MBA आप लोग ने मार्केटिंग में किया है, अगर 1 से 3 साल का भी एक्सपीरियंस है आप लोग को, तभी भी जाके आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बेसिकली ये जो लोकेशन है सब गोवा के लिए रहेगा। तो मैंने आपको वैकेंसीज़ के डिटेल दे दी है, और भी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। फार्मासिस्ट का है जो कि बैंगलोर लोकेशन के लिए है। देख रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई है। अगर आप लोग फ्रेशर भी है दोस्तों इसमें, अगर बी फार्मा आप लोग ने किया हुआ है या डी फार्म किया हुआ है, तभी भी जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे नीचे रहेगा दोस्तों, उस पर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ईमेल, मोबाइल नंबर और आपका रिज्यूम बिल्कुल सबमिट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला जो वैकेंसी है वो एमरजेंसी
मेडिकल टेक्नीशियन के लिए है दोस्तों। यहाँ पे जो लोकेशन रहेगा वो गोवा के लिए होगा। यहाँ पे EMT कोर्स आप लोग का किया रहना ज़रूरी है और 1 से 2 साल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी ये जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो अगला वैकेंसी है वो नर्स के लिए है, वो जो कि मैंगलोर लोकेशन, चाहे आप लोग कहीं के भी हैं तभी भी जाके आप लोग इस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग फ्रेशर भी हैं तभी भी जाके आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा कोई इसमें बड़ा एजुकेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और अगर ग्रेजुएशन भी अगर आप लोग ने मेडिकल फील्ड में किया है तभी भी जाके यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो वैकेंसीज देख रहे हैं, उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए है दोस्तों, जो लोकेशन रहेगा वो मैंगलोर रहेगा, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगा यहाँ पे, डिप्लोमा अगर आप लोग ने किया है इन डायलिसिस में, ठीक है, अगर आप लोग फ्रेशर भी हैं तभी भी जाके आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द अदर पोस्ट मैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। देखें ज़रा कितना ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। देखिए रजिस्ट्रार के लिए भी है दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी, मैंगलोर लोकेशन के लिए है, और काफ़ी ज़्यादा OT टेक्नीशियन के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए है, दिल्ली लोकेशन, ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं ना दोस्तों, तभी भी जाके आप लोग को यहाँ पर आपके लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, और मेरा अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इससे आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिलता है और दूसरे को साथ साथ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोग को अप्लाई करने के लिए दोस्तों। और मैं जो भी होगा इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अप्लाई करने का, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता पाया दोस्तों क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इसके लिए मैं जल्दी से आप लोग को बेसिक समरी में डिटेल आपको बता दिया वैकेंसीज़ का, ठीक है। मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, थैंक यू।